महाभारत के युद्ध में अर्जुन के वाण से घायल होकर कर्ण जमीन पर जा गिरे। शरीर से प्राण निकलने ही वाले थे तब श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुँचे और तड़पते हुए कर्ण को कृष्ण ने पूछे कुछ ऐसे सवाल जिन्हें सुन सभी दंग रह गए। क्या थे वो सवाल जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बालक के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा दोष क्या था माधव? परशुराम ने भी मुझे शिक्षा तो दी लेकिन ये शाप भी दिया कि जब भी मुझे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी मैं उस विद्या को विस्मरण कर जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र और अयोग्य बताते हुए मुझे खूब अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र तब स्वीकारा जब उन्हीं के दूसरे पुत्रों के प्राण संकट में आए। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? तब श्री माधव मन मन मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण मेरा जन्म कारागार में हुआ था, मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरी। मुझे तो ग्वाले का जीवन मिल गया, मुझे मिला तो गाय को चराना और गोबर उठाना। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा, मेरे तो अपने ही मेरे प्राणों के प्यासे बैठे थे। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला, तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासन के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। रणछोड़ने के कारण मुझे रणछोड़ कहकर ताने दिए गए, दुनिया ने मुझे कायर कहा, मुझे सभी की परेशानियों का कारण बताया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा, मेरे हिस्से भी तो आया तो क्या? माताओं के श्राप, मृत सैनिकों के परिवारों की बद्दुआएं, क्या सच में मैं इन्हीं का हकदार हूँ? हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है, सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।